गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिसे देता ये जहां सम्मान, जो करता है देशों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, जिसे करते हैं सभी प्रणाम, जिसकी छाया में मिलता ज्ञान, जो कराए सही दिशा की पहचान, वो है हमारे गुरु। मेरे गुरु को शत शत प्रणाम। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर टू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माय न्यू वीडियो सीरीज दैट इज फाउंडेशन सीरीज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हो, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। टुडे वी आर स्टडिंग टॉपिक नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम लेक्चर 3। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 243 अपॉन 32 की पावर माइनस 0.8 की वैल्यू किसके बराबर है? टी के बराबर है। हमको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ टी, कि टी की वैल्यू क्या होगी। सही बच्चे ध्यान देंगे, 243 अगर मैं इसकी पीएफ करूं तो इसकी पीएफ में तीन कितनी बार आएगा? पांच बार। 32 की पीएफ करूं तो दो कितनी बार आएगा? पांच बार। इसके साथ साथ अगर मैं ध्यान दूं, माइनस तो है ही, 0.8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8/10। क्लियर है, समझ में सभी को? कुछ कट रहे हैं? 2 4 8, 2 5 10। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, पावर है सेम, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? डिवाइड। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों का डिवाइड क्या लगा दिया? कॉमन। पावर क्या आ जाएगी दोनों की? कॉमन। साथ में मेरी पावर क्या आ चुकी है? माइनस का 4/5, माइनस का 4/5, 5 से 5 क्या हो गया? कट। क्या बचेगा? 3/2, उसकी पावर कितनी है? -4। मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी पावर जब खुलती है वो पावर किसमें हो? प्लस। पावर किसमें है? माइनस, दिए गए नंबर का उल्टा। 2/3, पावर का साइन चेंज। 2^4 हाउ मच? 16। 3/4 हाउ मच? 81। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट का बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 22 फोकस, बेटा फोकस। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी को दिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर बार बार यूज हो रहा है 3 base 3 base 3। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ बेस 3, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ बेस 3। अगर आप पीएफ करोगे 81 की तो आपको मिलेगा 3 कितनी बार? 4 बार। इन द सेम वे अगर मैं पीएफ करूं 6561 की तो आपको 3 मिलेगा कितनी बार? 8 बार। वो आप पीएफ करके चेक कर सकते हो। सही बच्चे ध्यान देंगे, दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? डिवाइड। पावर क्या हो जाएगी दोनों की? माइनस। क्लियर है। इन द सेम वे मैंने आपको क्या बताया? 81 कैसे आएगा? 3/4। क्वेश्चन में क्या है? 81 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 3/4 और उसका स्क्वायर। क्लियर है। इन द सेम वे 6561 की अगर मैं पीएफ करूँ तो 3 कितनी बार मिलेगा मुझे? 8 बार। इक्वल टू में कितना है? 3/7। दोबारा ध्यान देंगे सभी, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर क्या कर दी? माइनस। ये और ये सोल्व हो गया। 81 को क्या लिखा मैंने? 3/4, उसका क्या लगा दिया? स्क्वायर। इसकी पीएफ की 3 कितनी बार आएगा? 8 बार। 3 कितनी बार आया? 8 बार। क्लियर है। सब बच्चे ध्यान देंगे, 5 में से 2 गया 3x। क्लियर है। 2 पावर एक साथ, दोनों पावर की मल्टीप्लाई,
क्लियर। अगेन 3 की पावर 8 इक्वल्स टू 3 की पावर 7। क्लियर है, सभी का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएंगी प्लस 3 की पावर 3x प्लस 8 प्लस 8 हाउ मच 16 इक्वल्स टू 3 की पावर 7। दोनों के बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल, दैट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। क्लियर है, दिस इक्वल्स टू दिस। क्लियर, 16 किसका है प्लस, उसर जाके माइनस, 16 में से 7 गया 9, बड़ा कौन है माइनस का, 3 बन जा 3 3 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3। दिस इज द आंसर, दैट मीन्स बी फॉर बॉय। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फोकस क्वेश्चन नंबर 23। फोकस बेटा क्वेश्चन नंबर 23, अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सही वजह से ध्यान देंगे कि दिया क्या गया है, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू हाउ मच -1। अगर मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा वाई और एक्स का एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई, यहाँ किसकी कमी है चेक करो सभी, किसकी कमी है एक्स की, एक्स इंटू एक्स हाउ मच एक्स स्क्वेयर। क्लियर है, इन द सेम वे यहाँ किसकी कमी है वाई की, तो वाई इंटू वाई हाउ मच वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू हाउ मच -1। क्लियर है, नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू हाउ मच -1 इंटू एक्स वाई, दैट इज -xy, ये किसका है माइनस, इस साइड आगे प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। हमने क्या किया, दिए गए क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया और हमको मिला दिस, मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा जहाँ से हमारा आंसर आने वाला है। अब चेक करो पूछा क्या, हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की 2.5 में, क्या पढ़ा था हमने किसके बराबर होता है एक्स माइनस वाई, साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, याद कराया था आपको, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अल्टरनेट होता है उल्टा होता है, सभी बच्चों को दिख रहा है दिस दिस दिख रहा है सभी को, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स वाई एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 0, तो ये क्या हो गया 0, 0 इंटू समथिंग हाउ मच 0, सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, पता लगा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 24, फोकस फोकस बेटा क्वेश्चन नंबर 24, दोबारा से थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा मांग रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ध्यान दो थोड़ा सा, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ें आपस में आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, x प्लस 1/x का अगर मैं क्या करूँ स्क्वेयर, ध्यान देंगे सभी, दिस इज व्हाट a, दिस इज व्हाट b, क्या होता है वो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2 into a into b। क्लियर है, दिस इज व्हाट a स्क्वेयर दिस इज व्हाट b स्क्वेयर, x से x कट क्या बचा 2। क्लियर है, सभी को दिख रहा है, ये भी दिख रहा है आपको और ये भी दिख रहा है, हमको क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है ध्यान दो सभी, 98 प्लस में क्या है 2, हाउ मच 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, सो 10 इज द आंसर, मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्लियर है, इजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा फोकस, क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा से बोल रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25,
हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर, कितना गिवन है 83। हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? अगर मैं x माइनस वन बाय एक्स का क्यूब करूँ तो ध्यान देंगे आपको क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट y, x माइनस वाई का क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने किया x माइनस वाई का क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। दिख रहा है आप सभी को, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है, मतलब हमको इसका यूज़ करना है और हमें अपना आंसर निकालना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट क्या बचा माइनस थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, क्लियर है, अगर कहीं से ये मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ भी है माइनस की है, इस तरह क्या हो जाएगी प्लस, क्लियर है, वो क्या होगा मेरा आंसर। तो मुझे कहीं से ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ है क्या x माइनस वन बाय एक्स। आप आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल सकता है दो रास्तों से, कैसे ध्यान दो सभी, x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई, या अगर यहाँ क्या हो माइनस, तो यहाँ पे क्या जाता है माइनस, दिख रहे हैं आपको, मुझे ज़रूरत है किसकी माइनस की, तो मैं किसके बात करूँगा माइनस की ना कि प्लस की, क्लियर है, मैं बात कर रहा हूँ माइनस की, चेक करो सभी, एक्स एक्स क्या हो गया कट, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू। आप सभी को दिख रहा है मुझे चाहिए ये, लेकिन मुझे दिया गया ये, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है ये इसके बराबर है, एक्स एक्स काट दिया ये बच गया, और मुझे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 83, मतलब अगर मैं यहाँ 83 रखूँ, 83 माइनस टू हाउ मच 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर से स्क्वायर कट, क्या बचेगा x माइनस वन बाई एक्स, कितना आ गया हाउ मच 9, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी, क्लियर है, अब मुझे ये मिल गया, मेरा आंसर मेरे हाथ में है, कैसे मुझे क्या करना है चेक करो सभी, 9 का क्यूब, क्लियर है, ये मुझे निकालना है ऐसे का ऐसा माइनस 3 इंटू, चेक करो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 थ्री जा 27, यहाँ किसका है माइनस, इस के प्लस 729 में क्या ऐड करना है 9 थ्री जा 27, 9 और 7 16, कैरी 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, साथ में क्या आएगा 7, दिस इज द आंसर। सो मेरा आंसर क्या आ गया ए फॉर एप्पल, क्लियर है, सबसे अच्छा क्वेश्चन था, चार बार निकाल लेना, पांच बार निकाल लेना, आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा फोकस, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं और सिंपल ही है, हमको क्या करना है क्वेश्चन में पढ़ो, हमको ये दिया ये दिया, हमको पूछा क्या देन फाइंड एक्स, हमको एक्स निकालना है, तो हमको एक चीज आती है एक्स एक तरफ नंबर एक तरफ, रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू रूट फोर माइनस उसर जगह क्या हो गया प्लस रूट एक्स, रूट एक्स कितनी बार है एक बार और एक बार दो बार, क्या आ गया टू रूट एक्स,
आप सबको पता है किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का। इन द सेम वे अगर मैं इसको करूं ब्रेक, कैसे, 4 3 12, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 क्या आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर, अंदर क्या बचेगा, रूट 3। क्लियर है। एक स्टेप और करते हैं, 2√x, दोनों से 2 क्या आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, 2 आ गया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3। क्लियर है। 2 से 2 कट, क्या बचा √x, हाउ मच, 1+√3। आप सभी को बता रखा है मैंने रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या है, पावर कितनी है, 1/2। मैंने आपको सिखाया था जब पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, पावर का उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। मतलब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर चेक करो सभी, x+y का स्क्वायर क्या होता है, x²+y²+2a(b). क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट, हाउ मच 3, साथ में क्या बचेगा 2 1 जा 2, साथ में क्या है √3, 3+1 4+2√3, दिस इज द आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, फोकस, क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे हम 3 से 4 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। आपको बेटा क्या करना है, जस्ट ध्यान दो सभी, और रूट का मतलब क्या बताया था, पावर 1/2। जब पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, पावर का उल्टा। मैं क्या कर सकता हूँ, 15-x√14। ये तो ऐसे गया, ऐसा पावर थी 1/2, वहाँ जाके पावर बन गई ओनली 2, क्योंकि मुझे पता है 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे पावर दी गई 1/2, वहाँ जाके क्या बन गई, 2। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, x-y का स्क्वायर, वो क्या होता है, x² + क्या होता है, y² - 2 x y। क्लियर है। स्क्वायर से रूट कट, हाउ मच 8, स्क्वायर से रूट कट, हाउ मच 7, माइनस 2 इंटू, ध्यान देंगे सभी, 8 7 जा 56। क्लियर है। मैं इसको क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 4 × 14, क्योंकि 14 4 जा 56, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 क्या सकता है, ब्रैकेट से बाहर, कैसे, 8 और 7 15, 2 × 2 क्या आ गया, ब्रैकेट से बाहर, रूट में क्या बचेगा, ओनली 14, क्योंकि 14 किसी का स्क्वायर नहीं है। क्लियर, चेक करो सभी, 15 - 2 2 जा 4, साथ में क्या है, √14। क्लियर है। सेम कितना है, 15 - x√14, चेक करो, 15 15 - √14, √14, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, एंड 4 इज द आंसर, V4 boy। क्लियर है, इजी। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 28 29 एंड 30। दीज 3 आर द सेम क्वेश्चंस, सेम कंसेप्ट, तो हम तीनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, इन दो क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, इसका कंसेप्ट डिफरेंट है। इन दोनों बेटा आपको कंसेप्ट में क्या ध्यान देना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन की, कि आपको जो रूट के अंदर जो नंबर दिया जाए, आपको रूट के अंदर जो नंबर दिया जाए उसको तोड़ना है दो नंबर्स में, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, लगातार, मींस बोथ शुड बी कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे अगर मैं ध्यान दूं 12 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 4 3 जा 12। क्लियर है, दोनों के हैं लगातार, तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर आपका साइन क्या हो, प्लस,
तो इन दोनों में जो बड़ा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, और अगर बीच में क्या हो माइनस तो इन दोनों में जो छोटा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या है। 12 को मैंने क्या लिखा, 4 × 3 साइन कौन सा है प्लस, प्लस के अंदर मैंने आपको क्या बताया जो बड़ा वो क्या हो जाएगा आंसर। डेट मीन्स इसका क्या आंसर आने वाला है 4 इन द सेम वे। अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे क्या है 12, बीच में क्या है माइनस, छोटा कौन है 3, मतलब इसका क्या आंसर आने वाला है 3। क्लियर है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे 20 + √20 + क्लियर है, साइन कौन सा है प्लस। पहले इसको क्या करो ब्रेक, किसके अंदर कंजुगेटिव नंबर्स के अंदर। मैं 20 को क्या ले सकता हूँ 5 × 4 = 20, साइन कौन सा है प्लस, बड़ा कौन है 5 इज द आंसर। क्लियर सभी को समझ में आया। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 30, आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल होते हैं सिर्फ, या तो आंसर आएगा 0 या आंसर आएगा जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट में क्या लिखा हुआ है 5, मतलब इसके दो आंसर आ सकते हैं या तो 0 या 5। क्लियर है। अब मैं समझा रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे यूज हो रहा है आगे, चेक करो सभी। मुझे क्या करना है वैल्यू निकालनी है इसकी, मैंने आपको अभी भी बताया इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं या तो 0 या 5। इन द सेम वे इसकी वैल्यू 0 या 7, इसकी वैल्यू 0 या 3। पुट कर लो, 0 रखी 0 + 0 0 / 0, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब 0 तो मुझे पुट करनी नहीं है, मुझे क्या पुट करनी है 5 प्लस हाउ मच 7, हाउ मच 3, 7 × 5 = 12 / 3 हाउ मच 4, डेट मीन्स 4 इज द आंसर, बी फॉर बॉय। क्लियर है, सभी क्वेश्चन समझ में आया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 30 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। तो बच्चा पार्टी इस तरह हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज़ वो बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना डाउट पूछ लें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जितने कंसेप्ट बन सकते थे सभी कंसेप्ट आपके बनवा दिए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay home, stay safe.